नमस्कार दोस्तों, बर्ड सीरीज की जो अगला पार्ट है उसको हम ख़त्म करते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं आखिर बजट होता ही क्या है भाई, किसको कहते हैं बजट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या फिर जो है हमारा रेवेन्यू है, क्या कैपिटल है, क्या रिसिप्ट है, क्या एक्सपेंडिचर है, इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बजट जो आपकी चीज़ है इसके दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका जो है रेवेन्यू पार्ट और एक हो गया आपका कैपिटल पार्ट। ठीक, रेवेन्यू पार्ट या फिर जो है जिसको करंट पार्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो आपका जो है कैपिटल पार्ट हो गया। ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई, चलिए अच्छा है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि जो आपका रेवेन्यू पार्ट होता है इसके भी फिर दो पार्ट होंगे। ठीक है, क्या हो सकता है कि रेवेन्यू का जो है रेवेन्यू में एक रिसिप्ट, मतलब कि रेवेन्यू में कहीं से आवक होगा और कहीं पे जाएगा, तो रेवेन्यू में एक जो है रिसिप्ट होगा और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर होगा। सेम उसी तरह से जो है कैपिटल में एक रिसिप्ट होगा और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर होगा। ये दो चीज़ आपको क्लियर होगी। तो पहली बात तो ये कि बजट मतलब बी, बी के दो पार्ट हो गए, एक आपका रेवेन्यू मतलब करंट पार्ट, दूसरा जो है सी मतलब कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू के दो पार्ट, एक जो है एक्सपेंडिचर खर्चा वाला और एक जो है रिसिप्ट जो है आने वाला। इस तरह कैपिटल के दो पार्ट, एक जो है एक्सपेंडिचर जो है खर्चा वाला, दूसरा जो है आने वाला मतलब जो है रिसिप्ट वाला पार्ट। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं रेवेन्यू के रिसिप्ट में कहाँ से पैसा आएगा। तो रेवेन्यू का जो रिसिप्ट वाला पार्ट है इसमें जो है पैसे आने के दो तरीके हैं, एक या तो टैक्स लेकर के पैसा आएगा और दूसरा जो नॉन टैक्स लेकर के पैसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो टैक्स है ये किस तरह का, मतलब कि बजट के किस पार्ट में आता है, रेवेन्यू में आता है या फिर जो है कैपिटल रिसिप्ट में आता है या रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसका जवाब क्या होगा, ये बजट के रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स। टैक्स जो है बजट के रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है क्या हुआ, इसके दो तरह से पैसे आ सकते हैं, या तो हम टैक्स लेकर के पैसा लेकर के आएँ या फिर जो बिना टैक्स से भी सरकार पैसा लेकर आती है। तो टैक्स जो है दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स से जो पैसा आएगा डायरेक्ट या फिर जो है इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आएगा। डायरेक्ट का मतलब जब कोई भी टैक्स किसी पर्सन या कॉरपोरेशन पर डायरेक्टली लग रहा होता है, कॉरपोरेशन पे या फिर जो है पर्सन पे डायरेक्टली लग रहा होता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया और कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब ये पैसा जिस पे लग रहा होता है, एक्चुअली जो पे कर रहा होता है और जो इसको जमा करता होता है वो अलग अलग बंदा होता है। जैसे कि नॉर्मली इसको जो है पास कर दिया जाता है किस पे, कंज्यूमर पे। तो जितने भी गुड्स, जी मतलब गुड एंड जो है सर्विसेज, एस मतलब सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं इनके बनने में जो पैसा लगता है, इन पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, क्योंकि ये जो कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है उस वो इसको जमा करवाती है, जबकि एक्चुअल में इसका भुगतान कौन करता है, तो एक्चुअल में इसका भुगतान जो है ग्राहक करता है। जैसे आप एक साबुन है तो साबुन की जो फैक्ट्री होगी वो उस पर एक्साइज ड्यूटी दे रही होगी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क दे रही होगी, लेकिन वो टैक्स किससे, आपसे ले लेगी वो, क्योंकि साबुन मान लीजिए वो 5 रुपये में बन रहा होगा और उसको एक्साइज ड्यूटी दो देनी होगी, तो वो साबुन का दाम वैसे भी 7 रुपये रख देगी पहले ही उठा करके, और आप 7 रुपये में उसको खरीद रहे होंगे तो आपसे वो पहले ही वो पैसा ले चुकी है टैक्स का। तो इनडायरेक्ट टैक्स हर एक बंदे पे होता है और सबको देना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है अमीरों के लिए अलग और जो है गरीबों के लिए थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीब भी हैं तब भी आपको जो है पीयर साबुन 19 रुपये में मिलेगा, अमीर हैं तब भी आपको 19 रुपये में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनको जो है प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का लेवल बढ़ता जाता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनको हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब कि इस ये जो है सब पे एक समान रूप से लगता है, भेदभाव नहीं कर रहा है किसी पे। तो ये चीज़ गलत होती है भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा उससे आप ज़्यादा ले सकते हो ना। तो ये चीज़ें हुई। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या होता था, पहले एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, आयात शुल्क हो गया। ठीक है, ये सब इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट जो है ये सब लगता था। अभी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है सब्ज्यूम करके एक में जो है GST लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्वेश्चन आपको ये याद रखिएगा कि GST क्या है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और GST जो है किस अमेंडमेंट से, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है GST आया है। कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो
तो सरकार के रेवेन्यू में दो तरह की आवक हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। और दूसरा जो है नॉन टैक्स से भी सरकार जो है पैसा लेके आ सकती है रेवेन्यू में। नॉन टैक्स से कैसे, सरकार कोई जो है गुड बना रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसके प्रोवाइड उसको बेच करके जो सरकार पैसा कमा रही है तो टैक्स ले रही है वहाँ से। जैसे कि सरकार जो है इंडिया ईयरबुक छापती है, ठीक है, सरकार जो है ये आपकी जो है दो तरह की मैगजीन छापती है, एक योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन छापती है। आप इसको खरीदते हैं तो इसमें जो सरकार जो है एक गुड को बेच करके जो है वो पैसा कमा रही है, ठीक है। तो यहाँ से सरकार बस सर्विस दे रही है उस पर पैसा कमा रही है, तो यहाँ से नॉन टैक्स से भी सरकार पैसा लेकर के आती है। दूसरा क्या हो गया, नॉन टैक्स में ही सरकार को डिविडेंड और प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे कि आरबीआई में सरकार की हिस्सेदारी है तो आरबीआई को जो फ़ायदा होता है तो सरकार को वो जो है उस हिस्सेदारी में उसका डिविडेंड देती है, शेयर देती है उसका। जैसे ओएनजीसी में सरकार की हिस्सेदारी है, मान लीजिए 50%, तो ओएनजीसी को अगर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 50 रुपये वो सरकार को देगी उस हिसाब से, जो भी उसका जो है डिविडेंड होगा तो, ठीक है। तो डिविडेंड और प्रॉफिट भी इससे सरकार को मिलता है पीएसयू उसका। इसके बाद इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट भी सरकार को मिलेगा, वो भी नॉन टैक्स में आएगा। जैसे सरकार ने भूटान को, श्रीलंका को जो है, या फिर म्यांमार को, वियतनाम को, आप देखते होंगे इनको जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लोन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एडवांस में लोन दे रहा है इनको। तो जब लोन देता है तो ये लोग जो है लोन का जो है, जैसे कि हम यूएसए या फिर जो वर्ल्ड बैंक को पेमेंट देते हैं इंटरेस्ट का, तो उस तरह ये लोग इस पर ब्याज देते हैं, तो वो ब्याज जो है आपका रेवेन्यू के रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, वो भी नॉन टैक्स टाइप का। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है सरकार को सरकार द्वारा लोन देने पे, वो किस पार्ट में आता है। तो याद रखिएगा वो रेवेन्यू के रिसिप्ट के नॉन टैक्स पार्ट में आता है, ठीक है। अगला, सरकार जो ग्रांट सरकार को मिलती है वो नॉन टैक्स। जैसे कि मान लो यूएसए गए, यूएसए ने कहा कि भैया हम आपको जो है 1 लाख रुपये ऐसे दे रहे हैं, 1 लाख डॉलर दे रहे हैं, ठीक है, आप जाओ कुछ हेल्थ सेक्टर के लिए काम करो। तो जो ग्रांट मिलता है ये भी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में ही सरकार को मिलता है। यहाँ तक क्लियर? अब रिसिप्ट ही देख रहे हैं तो हम जो है कैपिटल की रिसिप्ट भी देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर के साथ देखेंगे। कैपिटल जो अकाउंट होता है, कैपिटल जो हमारा ये है बजट का कैपिटल पार्ट, कैपिटल पार्ट में जो रिसिप्ट है, जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, तो वो दो तरह से पैसा आता है। या तो सरकार उधारी में पैसा लेके आएगी, या तो जो है बिना उधारी के लेके आएगी। उधारी में लाएगी तो दो तरह से ला सकते हैं, या तो घर में उधारी करें और या तो बाहर उधारी करें। तो घर में करेगी तो इसको इंटरनल जो है उधारी कहते हैं, जैसे जो है आपका ये बॉन्ड इशू कर दिया यहीं पे, या फिर जो है आपका कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन से ले लिया पैसा, ट्रेजरी बिल इशू करके ले लिया पैसा, तो ये जो सरकार जो है इंटरनल बॉरोइंग कर रही है। और दूसरा जो है बाहर से पैसा लेके आ रही है, तो बाहर कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से पैसा लेके आएगी, इंस्टीट्यूशन से, या फिर जो किसी गवर्नमेंट से, मान लीजिए जर्मनी से, USA से, इन सबसे पैसा लेके आई। तो ये इस तरह से, तो दो तरह से डेब्ट में पैसा, और डेब्ट में मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के डेब्ट जो है वहाँ से पैसा लेकर के आ सकती है सरकार। और दूसरा पैसा कहाँ सरकार लेके आ सकती है, दूसरा पैसा जो नॉन डेब्ट से ला सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने भूटान को कोई लोन दिया था और भूटान ने उस लोन को जो है पूरा उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं, अगर इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट तो यहाँ जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया कि भैया ये लो, आपने मुझको 100 रुपये का लोन दिया था, मैं आपको 100 रुपया वापस करता हूँ पूरा। तो 100 रुपये जब हो तो लोन रिकवर्ड जो होगा वो आपका जो है इंडिया के कैपिटल के रिसिप्ट के नॉन डेब्ट वाले पार्ट में जाएगा। सेम उसी तरह सरकार जब अपने हिस्सेदारी जो PSUs में उसकी है, उस हिस्सेदारी को बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वो भी जो है रिसिप्ट पार्ट में जाता है, ठीक है, रिसिप्ट पार्ट में हो जाता है। अब आप याद कीजिएगा कुछ दिन पहले 22 या 23 तारीख की जो न्यूज़ थी उसमें था कि HPCL के जितने भी अपने 51% के स्टैक हैं वो जो है ONGC को बेच दिए गवर्नमेंट ने, और ONGC से 36,000 करोड़ रुपये कमाए। वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ये सरकार को जो है नॉन डेब्ट जो है कैपिटल गेन हुआ है सरकार को। तो कैसे, तो कैपिटल पार्ट में नॉन डेब्ट में जो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट आता है, और यहाँ से जो पैसा लेके आती है वो डेब्ट में नहीं, नॉन डेब्ट में आता है सरकार के। तो सरकार ने कोई डेब्ट नहीं दिया, अपनी कोई आमदनी को बेच करके जो है उससे भी पैसा कमा लिया सरकार ने। तो आपको ये पार्ट याद रहेगा ना, डिसइन्वेस्टमेंट किस में आता है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल पार्ट में, बजट के कैपिटल पार्ट में आता है, और वो भी उसके रिसिप्ट के नॉन डेब्ट टाइप के रिसिप्ट में आता है, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक? तो अब फिर से देख लेते हैं। देखिए,
पहली बात तो हो गई बजट, बजट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका रेवेन्यू, दूसरा हो गया कैपिटल। रेवेन्यू में जो है रिसिप्ट, अभी सिर्फ रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू में रिसिप्ट जो है दो तरह से आ सकता है सरकार के पास, एक या तो टैक्स लेके ले आए या फिर नॉन टैक्स लाए। टैक्स लेके लाएगी तो डायरेक्ट टैक्स से या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से ला सकती है, और नॉन टैक्स में जो है कोई सर्विस प्रोवाइड करके, गुड प्रोवाइड करके जो है ला सकती है, डिविडेंड और प्रॉफिट से ला सकती है, इंटरेस्ट से ला सकती है, या फिर जो है ग्रांट जो उसको मिलता है विदेशों से उससे ला सकती है पैसा। ग्रांट मतलब मान लीजिए कि जो भी जो है इनको ऐसे दे दिया गया पैसा। दूसरा पार्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में या तो जो है डेप्ट से, उधारी से पैसा लिया है, उधारी दो तरह से कर सकती है, या तो जो है इंटरनल उधारी करे या तो एक्सटर्नल उधारी करे, और दूसरा जो है नॉन डेप्ट में पैसा लेकर के या तो लोन रिकवर्ड जो है, कोई लोन पुराना दिया वो वापस आया तो उससे पैसा लाए, और या फिर जो है डिस इन्वेस्टमेंट करके किसी अपनी सरकारी में, याद है कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का दीपम डिपार्टमेंट जो है डिस इन्वेस्टमेंट डील करता है, ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट करके पैसा लाए तो वो यहाँ पे जाएगा। अब आता है एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा। एक्सपेंडिचर जो होगा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, वो दो तरह से हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो है आपका फिर आएगा इस पर एक्सपेंडिचर, कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सरकार ने जो खुद उधारी में पैसा लाई थी, कैपिटल में उधारी में पैसा लाएगी तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि इंटरेस्ट जब मिलता है तो रेवेन्यू के नॉन टैक्स वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है, जब सरकार ने किसी को, जैसे सरकार ने भूटान को पैसा दिया था लोन में, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू के रिसिप्ट में जा रहा है। इसी तरह यूएसए से हमने पैसा लिया था, तो हम जब उसका इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो है, अगर 100 रुपया होता है तो 1 रुपया में से जो हमारा कम से कम जो है 40 पैसा तो चला जाता है सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने में, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा जाता है, सबसे ज़्यादा हम इतना उधारी में पैसा लाते हैं। फिर सब्सिडी जितने देते हैं तो वो सब्सिडी में जो है, जो सब्सिडी जो जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। डिफेंस में जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, याद रखिएगा। डिफेंस का खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फिर जो सैलरी और पेंशन में पैसा जाता है ये भी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो स्टेट को ग्रांट दिए जाते हैं ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो 42% का ग्रांट जो है सरकारी समय दे रही है 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर, कौन थे, केलकर महोदय थे इसके जो है अध्यक्ष, चेक कीजिए, इसमें 15वां भी बन गया है, या वाई बी रेड्डी महोदय थे, ठीक है। 13वें के थे केलकर महोदय और 14 के थे जो है आपके वाई बी रेड्डी जो है 14 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको याद होगा इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा वो, सब्सिडी जो दी जाएगी वो, डिफेंस होगा वो, सैलरी पेंशन होगे और ग्रांट जो गिवन होगा स्टेट को, ये सब जो है इसमें जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि दो तरह का हो सकता है, एक प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन प्लान। प्लान का मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम चलती है वो प्लान एक्सपेंडिचर में जाता है, और नॉन प्लान में हमने कोई ट्रेन चला दी, हमने कुछ और कर दिया, या फिर जो कोई नॉर्मल काम कर दिया, तो ये सब नॉन प्लान में जाता है। कोई नई चीज़ बनानी हुई अभी तो ये पिछले साल से इसको एबोलिश कर दिया गया था, अब प्लान और नॉन प्लान करके कोई चीज़ बची ही नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया 2017 से, ठीक है। जितने भी हम लोन देते हैं किसी को, मान लीजिए हमने श्रीलंका कोई लोन दिया, हमने जो है भूटान कोई लोन दिया, म्यांमार कोई लोन दिया, नेपाल कोई लोन दिया, तो सारे लोन जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर से जाएंगे हमारे, ठीक है। और कोई भी हम कैपिटल गुड और एसेट जो है इसके लिए कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कोई हमने फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में जो मशीनरी लगती है, ये सब जो कैपिटल गुड और एसेट आएंगे, कल जो है उससे जो है कोई हमको रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, याद चीज़ क्लियर हो गई। तो बजट आपको क्लियर हो गया, बजट के जो है, बजट क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल दो पार्ट उसके होते हैं। रेवेन्यू में एक जो है रिसिप्ट पार्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर पार्ट, सेम उसी तरह जो है कैपिटल में एक रिसिप्ट पार्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर पार्ट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू का रिसिप्ट जो है वो टैक्स और नॉन टैक्स से आएगा, कैपिटल का रिसिप्ट डेब्ट और नॉन डेब्ट से आएगा, यहाँ तक क्लियर। एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू का हुआ वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट से, सब्सिडी से, डिफेंस से और सैलरी और पेंशन से, प्लस जो है ग्रांट जो स्टेट को दिया जाएंगे उससे, और जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर होगा वो आपका जो है लोन जो दिए जाते हैं उससे, प्लस कैपिटल गुड और एसेट के मैनेजमेंट से आएंगे, यहाँ तक क्लियर है। यही बजट होता है, इसी का लेखा जोखा पूरा बजट होता है, इसी की पूरी बात वहाँ पे की गई होगी, ये आप चेक कर लीजिए। अब इसकी बात आती है, आपको दिख गया कि एक जगह से पैसा आ रहा है रिसिप्ट मतलब आना, और एक जगह पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियस बात होगी, या तो पैसा जब आ रहा है और जा रहा है, अगर दोनों बैलेंस होगा तो आपका जो है चीज़ें क्या होंगी, नेट जो है जीरो होगा,
लेकिन अगर कोई मान लीजिए जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो ज़्यादा है खर्चा होने से, तो ऑब्वियसली आप सरप्लस में रहेंगे, हमेशा आपके पास कुछ पैसा बचेगा। लेकिन जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा अगर आपका पैसा चला जा रहा है, तो आप जो है डेफिसिट में, घाटे में चले जाएंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट का, ठीक है, जो आप पढ़ते होंगे रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये सब चीज़ें। तो वही हो गया, टोटल रिसिप्ट आप देख लो और टोटल एक्सपेंडिचर देख लो, इनका जो है आप देख लो, अगर एक्सपेंडिचर जो है रिसिप्ट से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर बात आ गई डेफिसिट की, और यही जो है आपका बजट का आता है डेफिसिट। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डेफिसिट क्या है, अलग अलग घाटे क्या क्या होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इनको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, आप समझ जाइए कि बजट होता क्या है, और इसी पे आप बैठा करके आप देखेंगे तो एकदम इजी आपको बजट दिखेगा, कुछ है ही नहीं।